एक बड़ी खबर आ रही है जालौन से, जहां छोटे भाई ने धारदार हथियार से बड़े भाई की हत्या कर दी है। जी हां, जालौन के कालपी नगर में एक घर के अंदर हथियार से हमला करके सगे भाई की हत्या को अंजाम देने वाले भाई के खिलाफ कालपी कोतवाली ने बड़े भाई के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहल्ला दमदमा निवासी अपनी पत्नी तथा चार बेटों के साथ निजी घर में रहते थे। बड़े भाई पुत्र रंजीत कुमार ने बताया, बादी अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, घर के अंदर सभी सदस्य मौजूद थे। इसी दौरान छोटे भाई का विवाद अपनी पत्नी से हो गया था। तभी बीच बचाव कराते समय छोटे भाई रवि कुमार ने चमड़ा काटने वाली रापी से अपने बड़े भाई पर वार कर दिया, जिससे बड़ा भाई घायल हो गया। घायल अवस्था में भाई सज्जन को उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उपचार के दौरान सज्जन की मौत हो गई। बड़े भाई की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने छोटे भाई पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला है सज्जन जिले का, जहां पर छोटे भाई ने बड़े भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। हम इसके पापा हैं। अच्छा, कैसे? मैं सो रहा था घर पे, मैं खाना खाया सो गया, और मुझे नहीं का नाम कि मैं कि मतलब ये उस पर किसने किया आपको नहीं पता? उस समय घर में कौन कौन था? उस समय मैं सो रहा था, समझे? उस समय शायद हमारा ये छंगा था हैं, या और थे, और थे क्या नाम के हमारे समझी साहब भी थे, बस सो रहे थे। अच्छा, क्या लगता है किसने मारा होगा? कोई विवाद हुआ था, क्या बात हुई थी? कुछ नहीं जी, क्या नाम की दारू पी के रोज नंग नाच करता था, समझे? बहू के मारे, समझे? गाली थे घर वालों को, रोज दारू पी के ये ड्रामा डेली बहुत दिन से कर रहा था। और लोग बता रहे हैं कि आपने रोड पे कल खुद ही कहा कि हमने मारा है। नहीं नहीं, हमने नहीं कहा, ये गलत है। तो किसने मारा? आपके लड़का जो है फरार है, क्यों फरार? समझे, आपका छोटा लड़का जो फरार है, ये काम ये छोटा लड़का जो फरार है, अब हम ये बता नहीं सकते इसी ने मारा या खुद किया उसने। हाँ, इसी दारू पीता था वो। अच्छा, खुद भी कर सकता है? खुद भी कर सकता है। हाँ, ये दो तीन बार मिट्टी का तेल डाल चुका है लेकिन घर पे। हाँ, लेकिन कोई अपने गले में वार कैसे कर सकता है? अब हम क्या बता दें, हमने देखे ही नहीं है, मैं तो सो रहा था सर। अच्छा, इसके बाद पुलिस में क्या कंप्लेंट की है? पुलिस में कोई कार्रवाई की कंप्लेंट की है? अब हमें कोई पता ही नहीं, हम तो बच्चे के संगे हम झांसी से झांसी चले गए थे, झांसी से आ रहे हैं।